आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ किचन के स्टोरेज के कुछ ऐसे आइडियाज जो मेरे बहुत काम हैं और शायद आपके भी बहुत काम आए। इंडियन किचन जो होते हैं ज्यादातर बहुत छोटे होते हैं। सबसे बड़ी परेशानी इंडियन किचन में यही होती है सामान को व्यवस्थित तरीके से कैसे रखें, क्योंकि कबर्ड्स बहुत कम होती हैं या होती ही नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे अब आप ये देखिए, ये मेरे किचन की एक छोटी सी कबर्ड है, तो अब आपको देखने से ही लग रहा होगा हम इसमें कितने बॉक्सेस रख पाएंगे, यानी कितने सारे हम इसमें जार रख पाएंगे जिनमें दाल वाल हो, ज्यादा नहीं रख सकते। लेकिन अभी मैं आपको इस छोटी सी कबर्ड में दिखाऊंगी कि आप 50 से भी ज्यादा डिब्बे रख सकते हैं और वो छोटे नहीं प्रॉपर साइज के रख सकते हैं। पहले कुछ इस तरीके से मैंने चीजों को लगाया हुआ था कि ज्यादा सामान नहीं आ पाता था, चीजें प्रॉपर पता भी नहीं चलती थी कहाँ पर क्या रखा हुआ है। तो अब जैसे हम लोग जनरली ऐसे डिब्बे ले लेते हैं ये सोच के कि एक बार में ज्यादा क्वांटिटी रख देंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये कितने बड़े बड़े डिब्बे हैं, उन्होंने कितनी स्पेस ले ली। हमें ऐसे डिब्बे किचन की अलमारी के लिए अब तो बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए, क्योंकि अभी मार्केट में बहुत ही कॉम्पैक्ट और स्लीक बहुत बढ़िया डिब्बे आ गए हैं जो पीपीए फ्री भी होते हैं और आप उनमें बहुत क्वांटिटी में सामान भी रख सकते हैं। तो अब आप ये देखिए कि मैंने कितनी सारी दालों के डिब्बे और आप देख सकते हैं चना वगैरह सभी चीजें मैंने इसमें लगा दी है और अभी भी देखिए स्पेस है और हर एक दाल आप देख सकते हैं कि आपको दिख रहा है बिना नाम लिखे हुए कि आपने किस जार में क्या रखा है। ये होता है फायदा जब आप एक प्रॉपर तरीके से स्लीक यानी पतले डिब्बों में ज्यादा ज्यादा क्वांटिटी भी रख सकते हैं। ये जो मेरे बॉक्सेस हैं आप देखिए कितने सुंदर भी लग रहे हैं, स्पेस भी कम ली, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कितनी कम स्पेस में और निकालना कितना आसान है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इन जार्स में आप कम कम क्वांटिटी रखेंगे, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं आप इसमें 1 किलो से भी ज्यादा यानी एक जार के अंदर आप 1.5 किलो के करीब सामान रख सकते हैं, जो भी चीज आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर देखिए इसमें चना दाल रखी हुई है, हरी मूंग दाल है, चने हैं, मूंग की दाल है, गुलाबी मसूर दाल है, तो हमें जितनी भी दाल चाहिए होती है उस हिसाब से आप इसमें अरेंज कर सकते हैं। और खास बात क्या है डिब्बों की, आपको कोई नाम लिखने की जरूरत नहीं होता है ना कि बाजार से खरीद के लाए और फिर सबके ऊपर स्टिकर लगाने पड़ते हैं क्योंकि दिखता नहीं है। इसमें दिखाई भी दे रहा है आपको कि आपने कौन सी दाल रखी है, आपको पता भी चल रहा है कि क्या खत्म हो रहा है क्या नहीं, और इजीली निकाल भी लिया और कितने सारे बॉक्स आप देख सकते हैं कि इसमें इजीली आ गए। ये तो बहुत कम है, अभी आप देखिए कि ये जो मैंने रखे हैं इसके डबल भी हम इसमें रख सकते हैं। और अब जैसे आप ये देख सकते हैं कि रेड बॉक्स के बगल में मैंने रखा हुआ है ये ब्लू वाला बॉक्स, जिसके अंदर आप आसानी से 2.5 kg से भी ज्यादा क्वांटिटी रख सकते हैं। तो जैसे तूर दाल वगैरह यानी अरहर दाल वगैरह हमारे ज्यादा यूज होती है तो हम उसे ज्यादा खरीदते हैं, तो देखिए उसमें मैंने तूर दाल वगैरह रखी हुई है। तो जो भी क्वांटिटी आप ज्यादा खरीदते हैं उसको बड़े बॉक्स में रख सकते हैं, पर ये स्लीक बॉक्सेस हैं, सब एयर टाइट है, बीपीए फ्री है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। प्लास्टिक के जनरल बॉक्स लेते हैं तो एक तो फूड ग्रेड मटेरियल के नहीं होते, दूसरा जल्दी उनपे स्क्रैचेस और निशान आ जाते हैं और फिर वो बहुत खराब लगते हैं। ये बिल्कुल फूड ग्रेड मटेरियल के हैं, खराब बिल्कुल भी जल्दी नहीं होंगे, बहुत अच्छी हाई क्वालिटी। तो जैसे यहाँ पर मैंने सूजी रखी हुई है और उसमें आप सोच रहे होंगे ये मैंने क्या डाला हुआ है, तेज पत्ता डाला हुआ है जिससे कीड़े वगैरह ना लगे, तो सभी में मैंने तेज पत्ता वगैरह डाला हुआ है जिसकी वजह से दालें जल्दी खराब नहीं होती। और ये मैंने आपके साथ किचन टिप्स में भी शेयर किया था कि किस तरह से मसाले और दालों को आप बचा सकते हैं स्पेशली बारिश के मौसम में। अब हमारे पास देखिए ये ऊपर की स्पेस बची हुई है, तो जो भी चीजें आप कम मात्रा में खरीदते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ये रख ली हरी मूंग दाल, लेकिन ये जो छोटा बॉक्स आप देख रहे हैं कितना प्यारा सा स्लीक सा लग रहा है, इसके अंदर भी आप आसानी से 1 kg तक रख सकते हैं। तो जैसे ये छोटे बॉक्सेस के लिए आप यहाँ पर इसके ऊपर अरेंज कर दीजिए। अब आपको देखिए एक स्टैकिंग बॉक्सेस होते हैं, यानी इसके ऊपर ये स्टैक हो गया, फिट हो गया, गिरेगा भी नहीं और आपको दिख भी रहा है कि आपने क्या रखा हुआ है, तो लग रहा है ना कितना सुंदर। तो इसी तरह से मैंने सारी जो मैं कम क्वांटिटी में खरीदती हूँ दालें उनको मैंने इस तरह इसके ऊपर अरेंज कर दी। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है छोटी कबर्ड में ज्यादा सामान रखने का, बहुत ही स्लीक बॉक्सेस, अच्छी क्वालिटी के और प्रॉपर दिखने वाले। तो अगर आप इसको गिने तो लगभग 21 बॉक्स ऊपर नीचे मिलाकर अब तक आ चुके हैं, 21 बॉक्स मैंने अरेंज कर दिए हैं जिसमें मेरा पूरी तरीके से बढ़िया सामान आ गया है। ऐसा नहीं है कि सामान बच गया और मैंने पैकेट्स बना के कहीं और रखे हैं, क्वांटिटी वाइज जैसे मुझे जितना 1 लीटर का चाहिए या मुझे 1.5 kg का चाहिए बॉक्स उस हिसाब से मैंने
सभी को अरेंज किया है। अब ये जो स्पेस हमारी आगे की बची है, यहाँ पर आप वो बॉक्सेस लगा दीजिए जो जनरली आपको चाहिए होते हैं। पीछे मैंने उनको कर दिया है जो मुझे महीने में 4 बार से ज्यादा नहीं चाहिए, उस हिसाब से मैंने इसको अरेंज किया है। तो जैसे बहुत सी दालें होती हैं जो हम महीने में ज्यादा बार नहीं बनाते, चने वगैरह, तो उनको आप यहाँ अरेंज कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर ये छोटे वाले लोबिया या हरा चना, जिस तरीके से भी आप अरेंज करना चाहें तो यहाँ पर भी आप आगे लगा सकते हैं। तो ये देखिए, अब हमारे ऊपर 3 बॉक्सेस और आ गए, और ऐसा नहीं है कि मैंने जबरदस्ती उन्हें लगाया हो, आप इजीली निकाल सकते हैं। ये देखिए कितनी आसानी से आप इनको हटा भी पा रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया तरीका होता है इस तरह लगाना। अब नीचे मैं आगे को रख रही हूँ वो चीजें जो मुझे सुबह में चाहिए होती है, जैसे कॉर्नफ्लेक्स, ओट्स। ये देखिए, दिन भर में हम दालें हमें कितनी बार चाहिए होती है, मुश्किल से 1 या 2 बार, तो कवर खोल कर हम ये आगे वाले बॉक्स हटा के निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से नमकीन, ओट्स, जो भी चीजें आप जरूरी समझते हैं उन चीजों को आप आगे यूज कर सकते हैं। जैसे मेरे देखिए अभी कितने बॉक्सेस इसमें लग जाएंगे, अभी एम्प्टी बॉक्सेस है, उनमें भी मुझे सामान रखना है। तो ये आप देख सकते हैं कि जिस कबर्ड में मुश्किल से 10 या 12 बॉक्स हम लगा पा रहे थे, अब सारी ही वही क्वांटिटी है। ऐसा नहीं कि हमने कम सामान लगाया है, पूरे 30 बॉक्स इसमें आसानी से आ गए हैं, बिल्कुल कंफर्टेबली। तो देखा आपने, देखने में भी कितने सुंदर लग रहे हैं, प्रॉपरली सब चीजें व्यवस्थित लग रही हैं। आप जब किचन का काम करेंगे आपको कुछ भी ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, इजीली आपको पता होगा कि क्या महीने का सामान खत्म हो रहा है और हमें क्या लाना है, और इजीली आप इनको निकाल सकते हैं, वॉश कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ए टाइप बॉक्सेस है, कीड़े वगैरह भी नहीं लगते दाल वगैरह में। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर 30 डिब्बे लगा दिए। अभी भी हमारे पास ऊपर की देखिए स्पेस खाली है, अगर आपके कुछ और जरूरी सामान है वो भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो इस तरह से इस कबर्ड के अंदर मैंने सिर्फ सारी दालों को रखा है जो मुझे याद भी रहेंगी और काम करने में मुझे आसानी भी होगी। अब आप मेरी ये दूसरी कबर्ड देखिए, लग रही है ना अच्छी, और सब चीजें प्रॉपरली आपको दिखाई भी दे रही है और सब प्रॉपर तरीके से अरेंज भी है। यहाँ आप अगर गौर करें तो मैंने सारा जो पाउडर फॉर्म में, यानी मैदा, बेसन और आपका कॉर्नफ्लावर, सूजी, मक्के का आटा, ऐसी सारी चीजें मैंने यहाँ अरेंज कर दी है जिससे मुझे याद रहे कि कहाँ पर मैदा रखी है, कहाँ बेसन है, कहाँ चावल का आटा है। तो इसको मैंने यहाँ अरेंज किया। इसके अंदर जैसे मैंने बताया कि जो बड़ा बॉक्स है इसके अंदर आप 2 केजी से भी ज्यादा रख सकते हैं, तो बेसन वगैरह ज्यादा चाहिए होता है तो वो मैंने यहाँ रखा है। मक्के का आटा वगैरह, ऐसी छोटी छोटी चीजें, वो मैंने छोटे बॉक्सेस में लगा दी है, जैसे आप ये देखिए नीचे। और ऊपर की शेल्फ में भी आप देख सकते हैं मैंने ऊपर मैदा रखी हुई है बड़े बॉक्स में, और उसके बाद देखिए जैसे सेवैया और आपके चिरवा, मूंगफली, ऐसी चीजें जो हम जनरली 1 केजी के करीब लेते हैं, उनको मैंने यहाँ अरेंज कर दिया, क्योंकि ये कवर छोटी थी तो इसमें मैंने इस तरह इन चीजों को अरेंज किया है। तो बस एक बार खोलकर ही मुझे तुरंत पता चल जाता है कि कहाँ मैंने क्या रखा हुआ है। और इसी तरह से जो आगे की आप स्पेस देख रहे हैं खाली, इसमें आप इस तरह और भी बॉक्स लगा सकते हैं। जैसे मैंने ये वाले बॉक्सेस लिए हैं, अब मैं आपको दिखाती हूँ कुछ दूसरे बॉक्सेस जिनमें दालों को निकालने का तरीका या किसी और चीज को निकालने का तरीका कुछ इस तरह है। देखिए जैसे ये वाला, तो इस तरीके की छोटी छोटी बास्केट मिलती हैं, तो जो किचन के जरूरी सामान होते हैं जैसे कुकर की विसिल वगैरह, वो आप इसमें रख दीजिए, रबर बैंड्स वगैरह जनरली मिलती नहीं है, उन चीजों को आप इस छोटी छोटी बास्केट्स में अरेंज आगे को कर सकते हैं। तो ये सब बास्केट्स का मैंने आपके साथ वीडियो पहले भी शेयर किया था, ये बहुत काम आती है किचन में। इन सभी चीजों को ऑनलाइन परचेज करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, यदि आपको कोई चीज इसमें से अच्छी लगती है, आप लेना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। अब आता है नंबर आटे और चावल का, जिन्हें हम हमेशा ही ज्यादा क्वांटिटी में खरीदते हैं और उनका समझ नहीं आता कि उन्हें किस बॉक्सेस में रखें, और ना ही इतनी जगह होती किचन में कि बड़े बड़े बॉक्सेस रख पाए। जनरली हम आटा इस प्रकार के बॉक्स में रखते हैं जैसे बड़े साइज के होते हैं, क्योंकि 10 किलो या 20 किलो आप ऐसे आटा लेते हैं और ये बॉक्स पूरी जगह घेर लेते हैं। अगर इस बॉक्स को आप रखते हैं तो बहुत ही कम स्पेस रह जाती है कबर्ड के अंदर कि कुछ और दूसरा सामान आप रख पाए। अब मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाती हूँ, आप देखेंगे तो आपको उससे प्यार हो जाएगा कि इतने कम स्पेस में और इतना क्वांटिटी में भी चीज आप रख सकते हैं। तो ये देखिए 20 किलो की कैपेसिटी वाला, यानी आप 20 किलो तक इसमें आटा चावल रख सकते हैं। इस तरह से आप अंदर कीजिए और रख दीजिए, और आप देख रहे हैं कितनी स्पेस बची है। अब हमारे पास पूरी स्पेस है ज्यादा मात्रा में चावल रखने के लिए, और ये देखिए हमारा चावल का बॉक्स भी इतनी आसानी से आ गया और इसमें भी जगह बची हुई है। बची हुई स्पेस है उसको भी आप इस तरह से, जो आपके घर में बड़ी बड़ी ट्रे या कोई और भी सामान है तो उसमें आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये लीजिए, जहाँ पहले एक बड़ा बॉक्स आटे का पूरी जगह घेर रहा था, अब आपने इतने स्लीक, इतने बढ़िया स्टैकिंग बॉक्सेस में जिसमें आप 20 किलो आटा और 20 किलो चावल रख सकते हैं, इस तरह से अरेंज कर दिया, वो भी कम स्पेस में। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरीके की शेप का है और बिल्कुल स्लीक बनाया हुआ है। ये देखिए
मैं आपको चारों तरफ से दिखाती हूँ। बहुत ही बढ़िया सिस्टम, मुझे ये इतना पसंद आया कि मैंने दो बॉक्स लिए, आटे के लिए और चावल के लिए। ये जो इसका एक टाइप लिड है, इस तरह से आप इसको खोलिए, ये देखिए बिल्कुल पतला, और आप इतना भी खोल सकते हैं, इतना खोल करके आप आटा अपना निकाल सकते हैं बहुत ही इजीली। आराम से आप इसमें 15 केजी आटा रख सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया, इजीली क्लोज होने वाला, वॉश कर सकते हैं। अगर आप भी इसको परचेस करना चाहते हैं तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो अब मैं इसको वापस रख देती हूँ और आपको चावल का दिखाती हूँ। इसी तरह से ये चावल का बॉक्स, जैसे चावल वगैरह हम जनरली ज्यादा खरीदते हैं तो आप इनको इस बॉक्स में रख सकते हैं। सबसे अच्छी बात, एयरटाइट, इतने बढ़िया है ये कि इसमें कीड़ा वगैरह नहीं लगता है। वैसे तो मैंने तेजपत्ता वगैरह सब डाला हुआ है, तो इस तरीके से कम स्पेस में आप ज्यादा मात्रा में छोटी कबर्ड में बॉक्स को लगा सकते हैं। स्टोरेज के लिए ऊपर की भी स्पेस है। अब इसे कैसे हम यूटिलाइज करें कि ज्यादा सामान आ जाए, तो ये देखिए, आप चावल घर में हम एक ही तरीके के तो खरीदते नहीं है, बासमती राइस भी होते हैं, डोसा चावल भी होता है, उन अलग अलग चावल या दूसरी किसी भी स्टोरेज की चीजें जो किचन की होती हैं, ये कंटेनर विद द हैंडल बहुत ही बढ़िया चीज मुझे लगी। इसमें देखिए कितना बढ़िया हैंडल है, और देखिए सबसे अच्छी चीज ट्रांसपेरेंट, क्या आपने रखा है आपको दिख रहा है, और सिर्फ कवर्ड में नहीं, ये फ्रिज में और दूसरी चीजों में भी बहुत काम आता है ये कंटेनर विद हैंडल। कम स्पेस में क्वांटिटी ज्यादा आ जाती है। इसकी कैपेसिटी है लगभग 4-5 kg, और इसमें आप कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, चाहे किचन का कोई भी सामान हो या घर का कुछ भी हो, बहुत ही बढ़िया रहते हैं ये बॉक्स। इसी प्रकार से जो पापड़ चिप्स वगैरह होते हैं उनके लिए भी मैंने यही परचेज किया हुआ है। सभी तरीके के पापड़ चिप्स, जैसे कि आप अभी देख सकते हैं, इसमें मैंने रख दिए हैं और बिल्कुल दिखाई भी दे रहा है। तो इस तरह आप इसको अरेंज कर सकते हैं। मैं इसको देखिए अंदर अगर कर देती हूँ तो आपको और भी स्पेस इसमें मिल जाएगी। ये देखिए बिल्कुल व्यवस्थित। अब जैसे ये वाले में आप देख सकते हैं कि डोसा राइस है, तो डोसा राइस है, इडली राइस है, इन सबके लिए हमें चाहिए होते हैं, तो अब ये अलग अलग हैं, और साथ में ट्रांसपेरेंट है तो मैं इजीली देख भी सकती हूँ कि किसमें क्या रखा हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है स्टोरेज के लिए, मैं तो जरूर आपको सजेस्ट करूंगी। इसी तरह से ये छोटी बास्केट भी बहुत ही काम की होती है, ये भी हैंडल वाली बास्केट्स होती है जिनको आप आसानी से ऊंची ऊंची कवर्स में रख सकते हैं, और किचन का जरूरी सामान जैसे मैंने रखा हुआ है, विसल्स हैं, रबर बैंड्स हैं, एक पैकेट क्लॉक है, तो इस तरीके की चीजें आप इनमें लगा सकते हैं। तो इससे वो प्रॉपर अरेंज भी रहेंगी, चीजें मिस नहीं होंगी, मैसी नहीं लगेगा किचन, और सुंदर भी लगेगा। सभी चीजों को ऑनलाइन परचेज करने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप इन चीजों को या तो ऑनलाइन या किसी भी बड़े स्टोर जैसे बिग बाजार, रिलायंस, डी मार्ट, किसी से भी परचेज कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको किचन के ये स्टोरेज आइडियाज पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज 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 लाइक जरूर कीजिए, सभी के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।